नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर रजक, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भोपाल से। आज मेरे पास ये टीवी आया है, CRT टीवी है ये। इसमें चाइना किट डली हुई है, ये वाले देखिए, ये चाइनीज किट है, ये पड़ी हुई है। इसके बारे में आपको बताता हूँ। सामने देखिए स्क्रीन पर रिट्रेस लाइन आ रही है और पिक्चर आ रही है। देखिए ये पिक्चर आ रही है और रिट्रेस लाइन आ रही है। मैं आपको बता रही हूँ, तो देखिए इसमें रिट्रेस लाइन आ रही है, साथ में पिक्चर भी आ रही है। ब्राइटनेस स्क्रीन ग्रेड से वोल्टेज बढ़ाने पर क्या होता है, ESD के जैसे ही वोल्टेज मैं बढ़ाता हूँ, रिट्रेस लाइन और ज़्यादा बढ़ जाती है और पिक्चर ख़त्म हो जाती है। तो इसमें फॉल्ट ये है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये जो पिन जो है इसकी, यहाँ पर आना चाहिए आपके 180 वोल्ट। देखिए यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं आ रहे हैं अभी। देखिए तो रीड कर रहा है मीटर, रीड नहीं हो पा रहा है, यानी कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। AC पर लगा के रखा हुआ है, यहाँ कोई वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। तब ये वोल्टेज नहीं आ रहे थे, यहाँ पर भी कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। देखिए आप, ये रीड कर रहा है, वोल्टेज नहीं आ रहा है इसके। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ आपको बताता हूँ कि इसमें इस डायोड को यहाँ से मैंने काट दिया ESD से, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज ही नहीं आ रहा, कोई मतलब ही नहीं इसका। अब इसके लिए मेरे को 180 वोल्टेज दे देना है। 180 वोल्टेज तो मेरे पास है नहीं, पर यहाँ पर ये देखिए मेरे पास DC वोल्टेज है, अभी 109 वोल्टेज आ रहे हैं ये। मैं यहाँ से 9 वोल्टेज इसके डायोड पे देता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है, आपको बताता हूँ। ये देखिए मैंने एक जम्पर लिया है इसमें, इसको मैं टिन कर लेता हूँ। सबसे पहले टिन करके ये जो 110 वोल्टेज हैं यहाँ पर मैं जोड़ देता हूँ, और ये वायर जो है ये डायोड पर दे देता हूँ मैं यहाँ पर, इसको काट देता हूँ कहीं शॉर्ट ना हो। तो जाके ये डायोड पर मैंने जोड़ दिया, ये मैंने जोड़ दिया ऐसे एक जम्पर लगा के, ठीक है। अब इसके बाद मैं लगाता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। देखिए वायर मैंने लगा दिया, अब देखिएगा स्क्रीन पर, देखिए अभी ब्लैक आ रहा है। मैंने देखिए स्क्रीन वोल्टेज बढ़ाया, आ गया, अब आ गया, तो मैं घटा रहा हूँ, आ गया क्लियर। देखिए ये मैंने प्ले लगाया, देखिए पिक्चर आने लगी इसकी, ये देखो मैं बढ़ा रहा हूँ इसकी, ये क्लियर हो गया। आइए यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये वायर मैंने देखिए यहाँ से जोड़ा, 109 वोल्टेज आ रहे हैं, ये 109 वोल्टेज ये आने लगे इसके, और यहाँ से ये आउट हो गया, और यहाँ से 109 वोल्टेज ही देखिए ये वोल्टेज इस पर पहुँच गया, ये 180 वोल्टेज की है, ये यहाँ पर पहुँच गया। देखिए आप पिक्चर क्लियर आ गई इस तरीके से। ये यदि सप्लाई नहीं आ रही इस पर ESD की पिन पर, इसका मतलब ये है इसकी अंदर इंटरनल ये 180 वोल्टेज वाली पिन ओपन हो गई है, इसलिए वोल्टेज आउट नहीं हो रहा है इसमें से, जो कि AC वोल्टेज होते हैं वो आउट नहीं हो रहे हैं। इसलिए मैंने यहाँ से 110 वोल्टेज उठाकर इसको जोड़ दिया और ये आ गया पिक्चर, ठीक है, ये आ गया होगा आपकी समझ में। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यदि ESD नहीं बन रही है, यदि ESD नहीं बन रही है कभी, तो ये बात हमेशा ध्यान रखें कि आपको चेक क्या करना है। यदि ESD नहीं बन रही तो सबसे पहले आपको चेक ये करना है कि इस IC पर 5 वोल्ट पहुँच रहे कि नहीं, क्योंकि ये 5 वोल्ट जो ये IC लगी हुई है चाइनीज किट में, ये इसकी 17 नंबर पिन पे आते हैं। देखिए ये लिखा है VCC, यानी यहाँ पे आते हैं VCC वोल्टेज, हॉरिजॉन्टल के लिए वोल्टेज आते हैं, हॉरिजॉन्टल के लिए। और यहीं से देखिए आप ये पिन जो है V आउट लिखा है, H आउट, यानी हॉरिजॉन्टल आउटपुट सिग्नल से यहाँ से निकल रहा है। ये हॉरिजॉन्टल आउटपुट सिग्नल जो है अपने यहाँ पे, ये देखिए
ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यहाँ पे ये गया है वायर, देखिए जी एक ये लगा है हॉरिजॉन्टल ड्राइवर ट्रांजिस्टर, इसके बेस पर पहुँचते हैं यहाँ से, ये 15 नंबर पिन से जो है यहाँ से सिग्नल होते हुए इसके बेस पर पहुँचेंगे, और जब बेस पर ये सिग्नल पहुँच तो इस ये हॉरिजॉन्टल ड्राइवर से ये वोल्टेज इसके कलेक्टर से होते हुए इस ड्राइवर पर आएंगे, ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, और ड्राइवर ट्रांसफार्मर से प्राइमरी से होते हुए सेकेंडरी पे आएंगे, और सेकेंडरी से ये इसके बेस पर पहुंचेंगे, और जब ये बेस पर पहुंचेंगे तो ESTी बनना प्रारंभ हो जाएगी। परंतु कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे ये वोल्टेज पहुंच ही नहीं रहे, ये हॉरिजॉन्टल भी सही है, हॉरिजॉन्टल ड्राइवर भी सही है, हॉरिजॉन्टल आउटपुट भी सही है, ये सब कुछ क्लियर फिर भी नहीं आ रहा, तो हमेशा ध्यान रखना है इस IC की पिन नंबर 17 पे जब तक वोल्टेज नहीं आएंगे तब तक ये नहीं काम करेगी, और ये वोल्टेज जो आते हैं यहाँ से जो है यहाँ से ये 12 वोल्टेज जो दिए हुए ये वोल्टेज आते हैं एक ट्रांजिस्टर पे, ये इसमें देखिए ये ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगा है Q702, और यहाँ से ये 5 वोल्ट रेगुलेटेड करके और 8 वोल्ट रेगुलेटेड, यहाँ से 2 वोल्टेज रेगुलेटेड होते हैं, कई कई सेटों में दो ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं, एक 5 वोल्ट के लिए एक 8 वोल्ट के लिए, और यहाँ से ये वोल्टेज होती हुई अपनी देखिए पिन पे आ रहे हैं, ये देखिए पिन पे ये आ गए 7.8 वोल्ट, यानी इस पिन पर जो है 17 नंबर पिन पे ये 8 वोल्टेज आते हैं, इसके 8 वोल्टेज आएंगे, बाकी के दूसरी जगह पे ये 5 नंबर वोल्टेज यहाँ से आउट होते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है, इस तरीके से ये सेक्शन काम करता है। यदि कभी ऐसा हो जाए 180 वोल्टेज नहीं आ रहे तो आपको यहाँ से ट्राई कर लेना है कैसे वोल्टेज आए, मैंने बता दिया कि सप्लाई से आप दे सकते हो वोल्टेज, तो यहाँ पे 110 वोल्टेज पे भी ये सही काम कर जाएगा, देखिए ये 80-85 वोल्टेज आ रहे हैं इस पर, देखिए ये वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ पर, यानी आउटपुट ट्रांजिस्टर जो लगे हुए हैं अपने कैथोड पर उन सब पे पहुंच रहे हैं वोल्टेज, और ये काम करने लगी, पिक्चर क्लियर आ रहा है, कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके से चाहें तो ये टेक्निक अपना के आप अपना सप्लाई बना सकते हैं, आउटपुट के लिए कैसे सप्लाई देना है वीडियो आउटपुट पर। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।